हेलो दोस्तों, हाल ही में टीआरपी को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। अक्सर टीवी देखते वक्त टीआरपी सब सुनने को मिलता है। जैसे इस प्रोग्राम की टीआरपी काफ़ी बढ़ गई है, आज के लिए प्रोग्राम चल नहीं रहा है, इससे चैनल को फर्क पड़ा है आदि। आखिर टीआरपी क्या होती है, इसको कैसे कैलकुलेट या चेक करते हैं, टीवी चैनल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो आइए जानते हैं टीआरपी क्या होती है। टीआरपी को टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स कहते हैं। टीआरपी एक ऐसा उपकरण या टूल है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन सा प्रोग्राम या टीवी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। साथ ही इसके कारण किसी भी प्रोग्राम या चैनल की पॉपुलैरिटी को समझने में मदद मिलती है, यानी कि लोग किसी चैनल या प्रोग्राम को कितनी बार और कितने समय के लिए देख रहे हैं। प्रोग्राम की टीआरपी सबसे ज़्यादा होना मतलब सबसे ज़्यादा दर्शक उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। टीआरपी का डाटा एडवर्टाइजर्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि एडवर्टाइजर्स उन्हीं प्रोग्राम को विज्ञापन देने के लिए चुनते हैं जिनकी टीआरपी ज़्यादा होती हैं। क्या आप जानते हैं कि टीआरपी को कैसे कैलकुलेट या चेक करते हैं? टीआरपी को कैलकुलेट या मापने के लिए कुछ जगहों पर पीपल्स मीटर लगाए जाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ हजार दर्शक को न्याय और नमूने के रूप में सर्वे किया जाता है। इन्हीं दर्शकों को वे सारे दर्शक मान लिया जाता है जो टीवी देख रहे होते हैं। अब ये पीपल्स मीटर स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के द्वारा ये पता लगाता है कि कौन सा प्रोग्राम या चैनल कितनी बार और सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। इस मीटर के द्वारा एक एक मिनट टीवी की जानकारी को मॉनिटरिंग टीम इनटैम यानी इंडियन टेलीविजन ऑडियंस मेजरमेंट तक पहुंचा दिया जाता है। ये टीम पीपल्स मीटर से मिली जानकारी को विश्लेषण यानी एनालिसिस करने के बाद यह तय करती है कि किस चैनल या प्रोग्राम की टीआरपी कितनी है। इसको कैलकुलेट करने के लिए एक दर्शक के द्वारा नियमित रूप से देखे जाने वाले प्रोग्राम और समय को लगातार रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर इस डाटा को 30 से गुना करके प्रोग्राम का एवरेज रिकॉर्ड निकाल लिया जाता है। यह पीपल मीटर किसी भी चैनल और उसके प्रोग्राम के बारे में पूरी जानकारी निकाल देता है। आइए अब जानते हैं कि टीआरपी के ज़्यादा या कम होने से किस पर प्रभाव पड़ता है। किसी भी प्रोग्राम के टीआरपी के ज़्यादा या कम होने से सीधा असर उस टीवी चैनल की इनकम को पड़ता है जिनमें वो प्रोग्राम आ रहा होता है। क्या आप जानते हैं कि जितने भी टीवी चैनल हैं जैसे सोनी, स्टार प्लस या रिपब्लिक टीवी आदि सभी विज्ञापन द्वारा पैसे कमाते हैं। अगर किसी प्रोग्राम या चैनल की टीआरपी कम है मतलब लोग उसे कम देख रहे हैं तो विज्ञापन के ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे या फिर बहुत कम एडवर्टाइजर मिलेंगे। परंतु अगर किसी चैनल या प्रोग्राम का टीआरपी ज़्यादा होगा तो विज्ञापन मिलेंगे और एडवर्टाइजर्स द्वारा ज़्यादा पैसे मिलेंगे। यानी कि टीआरपी केवल चैनल ही नहीं बल्कि किसी एक प्रोग्राम पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए किसी राइजिंग स्टार प्रोग्राम की टीआरपी अन्य किसी प्रोग्राम से ज़्यादा है तो एडवर्टाइजर अपना विज्ञापन उसमें दिखाना चाहेंगे और ज़्यादा पैसे देंगे। टीआरपी रेट क्या होता है? टीआरपी रेट वह है जिस पर एक टीवी चैनल के टीआरपी की गणना की जाती है। किसी भी चैनल या प्रोग्राम की टीआरपी उस पर दिखाए जाने वाले प्रोग्राम पर निर्भर करती है। इसे ऐसा समझा जा सकता है कि जब कोई फिल्म स्टार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए किसी प्रोग्राम में आता है तो उसके कारण उस प्रोग्राम की टीआरपी बढ़ जाती है, क्योंकि लोग उस स्टार को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।